अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे हस्बैंड सौदा लेके आए थे कल। पहले तो मैं लेके आ जाती थी सौदा, लेकिन हसन साहब पैदल पैदल जाते थे और फिर कभी हाथ छुड़वा रहे, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने बोला चलो मैं ही लेके आ जाऊँगा सौदा। तो वो सौदा लेके आ गए थे। अब मैं क्या कहते हैं इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊँगी। फ्रिज में किस तरह से इसको बास्केट में करके रखते हैं कि आपका 1 वीक गुजर जाता है। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह किस तरह से स्टॉक करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं सबसे पहले धनिया कटिंग कर रही हूँ। धनिया को पहले अच्छी तरीके से देख लेंगे, इसमें कोई ख़राब वगैरह तो नहीं है, इसमें तो बिल्कुल सही है माशाल्लाह से। तो अब इसको कटिंग कर लेंगे। बारीक बारीक कटिंग करके रख लेंगे। इस तरह से आप सफाई करके सामान को रख लेते हैं तो फिर आप जब खाना पका रहे होते हैं तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। बस झटपट से आप सारा सामान निकाला, रखा और बना लिया। अगर आप सफाई करके नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको खाना पकाने में भी देर लगेगी। पहले आप लहसुन छिलेंगे, अदरक छिलेंगे, धनिया काटेंगे, पुदीना तोड़ेंगे। तो इस वजह से आपको सारा सामान पहले से जैसे ही आए आप सामान सारा साफ करके रख लें ताकि खाना पकाते वक्त आपको आसानी रहे। सो गाइस, ये धनिया कटिंग हो गया है। अब मैं इसको इस कंटेनर में रख दूँगी। ये धनिया मैंने और इसके अंदर बिस्किट आया था, ये मुझे जार बहुत अच्छा लगा, ये मैंने रख लिया। और इसके अंदर अब ये देखें एक घी रेडी हो गया। अब मैं ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं इसकी सफाई कर लूँगी और इस जार में रख लूँगी। और प्लीज़ जब भी आप मेरे चैनल को देखें तो सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक के पहुंच सके, और शेयर भी कर दिया करें। चिकन वगैरह तो मैंने रात को ही वॉश करके सफाई करके रख दी थी और कलेजी भी। बस अब मुझे ये सब्जियों की सफाई करनी है और फिर फ्रिज में रखना है। तो चिकन वाली तो मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि रात थी, 1 बजे तो मेरे हस्बैंड आए थे, इस वजह से मैंने आपको वो वीडियो नहीं दिखाई। अब देखें एक ये भी स्टॉक हो गया है, इसको भी बंद कर देंगे। ये 2 कंटेनर हो गए। अब इसमें छोटी हरी मिर्चें रख देंगे। दानिश किचन में एक जार होगा वो दिएगा, लीमोन रखे हुए होंगे उसमें किचन में। और ये छोटी हरी मिर्चें इसको भी आप तोड़ के रख लेंगे। ये मेरी 1 वीक से भी ज़्यादा चल जाती है क्योंकि हम 2 अफराद तो हैं, थोड़ा सा खाना बनता है और हस्बैंड मेरे लेके जाते हैं। मैं इतना खाना बनाती हूँ कि वो लेके चले जाएँ और नीचे मेरी वो भाभी रहती हैं, बस एक प्लेट उनके जाता है और बस। और दोपहर में थोड़ा सा बचा लेती हूँ, अगर नहीं बचता तो फ्रूट वगैरह जूस वगैरह बना के पी लेती हूँ। बाकी जब मेरे हस्बैंड आते हैं हम लोग जब भी खाना खाते हैं। नहीं, किचन में रखा हुआ है जार, उसमें लीमू होंगे। उस तरफ देखें ना कोने पे जहाँ ट्रे वगैरह रखी होती हैं। अच्छा ठीक है,
अच्छा उसके पास देखें, कूलर के पास चले। ठीक है मैं खुद ही आगे देती हूँ। देखें एक चार ये स्टार्ट रेडी हो गया, इसको भी आप बंद करके रख दें। ठीक है इस तरह के कंटेनर होते हैं, इसके अंदर आप रख लिया करें। अब ये लेमन है, इसको भी मैं रख लूँगी, फिर कंटेनर लेके आती हूँ, फिर उसके अंदर रख लूँगी। कचरा मैं एक में कर लूँगी, इसमें लींबू रख दूँगी, फिर बाकी जार में रख दूँगी। और अब आ गई है पुदीने की बारी। ये पुदीना है, इसको भी मैं पत्ते तोड़ लूँगी और उसको भी जार में रख दूँगी। अल्लाह हाफिज़। मेरे हस्बैंड का टाइम हो गया जाने का, हसन सो रहे हैं, तो कल तो मैंने जल्दी जल्दी सफाई कर ली थी और कपड़े जो मैंने वॉश करे थे वो ते करके रख लिए हाथ के हाथ। मैं चाहती हूँ कि जैसे ही आप सामान वगैरह लाएँ तो आप फ़ौरन से सफाई करके रख दें, वरना वो काम फैला ही रहता है। वक्त पे काम कर लो, यही बेहतर है आप लोगों के लिए। जब तक के हसन उठेंगे ये मेरा सारा काम हो जाएगा। तो मैंने इसकी फीटर वगैरह बॉईल कर लिए, पानी भी बॉईल कर लिया। बस हसन आएंगे, इनका पैंपर वगैरह चेंज करूँगी, इनको नहलाऊँगी, तैयार करूँगी और फिर सफाई करूँगी। सफाई के बाद फिर मैं खाने वगैरह का देखूंगी कि क्या करना है। और अभी लहसुन अदरक भी मुझे बनाना है। लहसुन अदरक भी थोड़ा सा ब्लेंड करके रख लूँगी और थोड़ा सा लहसुन मैं ऐसे ही रखती हूँ जैसे दाल वाल वगैरह बनानी होती है उसमें बघार के लिए। और ये जो ज़ीरा साबुत धनिया होता है इसको मैं भून के पीस के रख लेती हूँ। इस वजह से मुझे खाना बनाने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती, झटपट मेरा खाना रेडी हो जाता है। शुरू से मेरी ये आदत रही है, मैंने मैं रूम में बैठ के सारी चीज़ें काट लेती हूँ और फिर क्या कहते हैं सारी चीज़ें सजा के और वन बाय वन उसमें ऐड करते रहती हूँ जब खाना बनाती हूँ। तो जब मैं अपने ससुराल में भी थी तो जैसे मेरे हस्बैंड जाते थे वैसे मैं सफाई वगैरह करके मेरा 12 बजे तक के मेरा खाना भी रेडी हो जाता था। मेरी सास बोलती थी बेटा इतनी जल्दी नहीं बनाया करो, लेकिन मुझसे ना बस सुबह का बोलती हूँ, सुबह मुझसे काम हो जाता है, फिर पड़ा रहता है ना, फिर हिम्मत नहीं होती कि आप कॉल कैसी आ रही होती है खाना ना दोपहर का खा के। इस वजह से मैं सुबह ही काम जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर पूरा दिन बिजी रहती हूँ। फिर आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता नमाज़ पढ़ने का। आपको हर चीज़ का टाइम मिल रहा है बट आपको नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जानबूझ के नमाज़ छोड़ रहे हो और नमाज़ तो हम सब पर फ़र्ज़ है। नमाज़ों के स्टेटस लग रहे होते हैं बट नमाज़ नहीं पढ़ते। सो आपसे रिक्वेस्ट है नमाज़ की पाबंदी करें, क्योंकि सबसे पहले नमाज़ का ही सवाल होगा। और आप अपने काम का शेड्यूल बनाया करें कि किस वक्त हमें क्या काम करना है।
अब जिस टाइम मुझे कपड़े वपड़े नहीं धोने होते उस टाइम क्या कहते हैं, मैं अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करके रख देती हूँ, और आप अभी भी देखेंगे तो उनके कपड़े प्रेस ही होंगे। 6-7 सूट मैं एक साथ प्रेस करके रख देती हूँ, और अपने भी अपने बेटे के भी, कहीं जाना हो तो आप फ़ौरन से कपड़े निकालें और तैयार हो जाएं। ये नहीं कि आपको जिस दिन जाना होगा आप उस दिन इस्त्री भी करेंगे, फिर सामान बच्चों के साथ सामान भी पैक करना होता है। अब ये सारा कचरा मैं बास्केट में डाल दूंगी। ये मेरा पुदीना भी रेडी होगी, ये भी जार में चल जाएगा, ये लेमन भी मेरे हो गए हैं। अब आती है लहसुन अदरक की बारी। तो ये लहसुन है, इसको मैं साफ कर लूंगी। पहले तोड़ लूंगी सारा, पिछली अल्ली इन सबको छिलके ग्राइंड कर लूंगी। अभी 10 बजे लाइट चली आएगी, फिर आएगी 12:30 बजे, तो मैं ग्राइंडर वगैरह कर लूंगी। तो जब तक के लाइट जाएगी मैं सफाई कर लूंगी। और जब आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया करें कि बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही, अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो आप मुझे बताएं, मैं इसको ताकि दुरुस्त कर सकूं। अभी कचरा मैं स्टोर में डाल दूंगी और इसमें लहसुन छिलके डाल दूंगी, बाकी किचन में जाके कंटेनर में कर लूंगी बाकी भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कंटेनर नहीं मिला। अच्छा, तो ये अदरक को बाद में छिलूंगी, पहले लहसुन। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं और ये आ गए कंटेनर। तो अब ये कंटेनर में ये हमारे टमाटर आ गए, ये हमारे खीरे आ गए, इसको मैं एक साइड पे कर दूँगी, और यहाँ पर हम ये जार रख लेंगे। एक में हरी मिर्चें आ गई, इसमें दूसरी हरी मिर्चें आ गई, ये आ गया धनिया, और ये आ गया लेमन। ठीक है, ये देखें सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज से रखें, कितने अच्छे तरीके से रख ली। और एक ये रह गया, ये सारे कंटेनर इसमें आ गए, ये आप देख सकते हैं ठीक तरीके से आ गए। अब ये तो जूस मैं पी लूँगी, हस्बैंड के लिए बनाओ, वो पीते नहीं है। यहाँ पर साई पोर्टल वगैरह आ गई, और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये अचार रखा हुआ है, लाइट गई है इसलिए अंधेरा नजर आ रहा है। ये अचार है, ये लहसुन अदरक है,
और ये आप देख सकते हैं ये जूस वगैरह है, कस्टर्ड पाउडर है, ये चीज़ है, ये दूध है, ये बटर है और ये टैंग वगैरह है। ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ पर सारे सोर्सेस हैं, मायोनीज है, हनी है, ऊपर अंडे वगैरह रखे हुए हैं और ये लहसुन के जूस के डब्बे हैं। ये मैंने तेल लिए है, ये मैंने यहाँ रख लिया है क्योंकि वहाँ पर रहेगा। इस कंटेनर में दूध रखा हुआ है और इसमें लहसुन की चीज़ें हैं। और ये मैं दोपहर में थोड़े से मैंने चावल बचा लिए थे तो ये मैं वो खा लूँगी। ये डीप फ्रीज़र है, यहाँ क्यूब्स रखी हुई हैं और प्लेट में मैंने क्यूब्स निकाली थी जूस के लिए। और इसमें चिकन कलेजी है, इसमें चिकन है और ये थोड़े से बॉयल छोले हैं। बाकी मैंने अलग अलग शॉपरों में चिकन रख दी है, थोड़ी सी चिकन ये है, थोड़ी सी चिकन ये है, अलग अलग शॉपर बना के रख देती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। और वॉश करके रखती हूँ मैं जब भी रखती हूँ। तो